यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। बात करेंगे गुरुग्राम की। गुरुग्राम में बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी डीपी कौशिक को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। साथ ही उन्होंने मिठाइयां खिलाकर इसके लिए बधाइयां भी दी हैं। वहीं डीपी वत्स ने बीजेपी हाईकमान को इसके लिए धन्यवाद भी किया है और कहा है कि जो जिम्मेवारी उन्हें दी गई है उसके लिए वो पूरी तरह से काम करेंगे। जनता और समाज के विकास के लिए वो सिपाही की तरह काम करेंगे। आपको बता दें कि डीपी वत्स आज अपना नामांकन भरेंगे। कि राजनीति में आरोप लगते थे कि भी टिकटें राज्यसभा की पैसे में बिकती है। एक आम कार्यकर्ता को, जो बिल्कुल साधारण कार्यकर्ता था, देश के लिए बहुत बड़ा काम करने वाले कार्यकर्ता थे और मतलब हरियाणा में खाप पंचायतों से लेके ब्रह्म समाज से लेके सभी 36 बरादरी को साथ लेके चलने वाले ऐसे कार्यकर्ता, जो 4 साल तक जर्नल रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए एक आम कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे। तो ज्यादा जानकारी के लिए गुरुग्राम से हमारे संवाददाता गुलशन ग्रोवर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गुलशन, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, हरियाणा के लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स जो है आज राज्यसभा का नामांकन भरेंगे। इससे पहले कि वो गुरुग्राम आए थे और गुरुग्राम में उनका जो भाजपा के कार्यकर्ता है उन्होंने उनका स्वागत किया था। आज नामांकन की अंतिम तारीख है और जिस तरह एक दिन पहले ही भाजपा ने हरियाणा से राज्यसभा सीट का जो फैसला लेफ्टिनेंट जनरल वत्स के समर्थन में दिया है कि उन्हें ही अब हरियाणा से राज्यसभा भेजा जाएगा, तो इससे जो कार्यकर्ता है उनमें खुशी है। हालांकि इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ये भी कहा कि जो राज्यसभा की टिकट है जी, वो कहा जाता है कि वो बेची जाती है, लेकिन भाजपा की सरकार आने के बाद राज्यसभा में ऐसे व्यक्ति को जो है भेजा जाता है जिस पर ना कोई आरोप होता है ना ही वो कभी राजनीति में होता है। हालांकि जो डीपी वत्स है वो पूर्व की पहले जो हुड्डा सरकार थी उसमें वो हरियाणा लोकसभा आयोग के चेयरमैन भी रहे हैं, तो हालांकि वो मूल रूप से हिसार जिले के रहने वाले हैं जो कि हरियाणा में ही हिसार जिला जो है पड़ता है। तो ऐसे में आज नामांकन की आखिरी तारीख है, उनका लगभग निर्विरोध चुना जाना तय माना गया। गुलशन, डीपी वत्स की अगर बात की जाए तो उनका क्या कुछ कहना है, ये जो जिम्मेवारी बीजेपी की ओर से उन्हें सौंपी गई है? देखिए, उनका यही कहना है कि वो सेना से हैं और वो जो भी जिम्मेदारी निभाते हैं बेखूबी निभाते हैं, बड़ी ईमानदारी से निभाते हैं। तो अब उन्हें बीजेपी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में भेजा है और वहां पर भी वो इसी तरीके से पूरी बेखूबी से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। चले, बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन तमाम अपडेट के लिए। तो हरियाणा से डीपी वत्स को टिकट मिल चुका है और बीजेपी ने जिम्मेवारी उन्हें सौंप दी है। गुरुग्राम में उनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है और डीपी वत्स का खुद कहना है कि अगर उन्हें ये जिम्मेवारी सौंपी गई है तो बखूबी वो इसे निभाएंगे।